वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड शाइनिंग पर्ल के एपिसोड 3 में। आज भाई हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं इस कोल माइन में, क्योंकि यहाँ पे जाके भाई हमको जिम लीडर मिलने वाला है और हमको अभी उसी से काम है। इससे बात कर लेते हैं। अरे यहाँ से नहीं जा सकते, नीचे से जाना पड़ेगा। ओ पोकेमॉन एनकाउंटर हुआ है। ओके जियोडूड तो मैं ऑब्वियसली नहीं पकड़ने वाला, मैं इसको वैसे भी कभी नहीं पकड़ता और इस गेम में भी मेरे को नहीं पकड़ना भाई इसको। चलो अब निकलते हैं, यहाँ पोकेमॉन्स बहुत आने वाले हैं यार। मेरे को रेपल लेके आना चाहिए था। फर्स्ट जिम का मैंने अभी तक भाई मैं कुछ भी गेम प्लेस वगैरह नहीं देख रहा, क्यों तो इसीलिए मेरे को पता नहीं है कि अभी इसमें जिम कितने लेवल का है, क्योंकि मैं खुद से ही देखना चाहता हूँ भाई जाके। ये सब तो बैटल करते हैं वैसे। अरे कर रहा है। वेल नाउ आंट यू समथिंग। ओके बढ़िया। अब मैं स्टार्ली को सामने रख रहा हूँ क्योंकि उससे ये फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ये फाइटिंग टाइप वाले लड़ने वाले हैं हमसे, तो वही सही रहेगा। वैसे लड़ने तो दो तीन ही हैं, बट फिर भी यार आगे रख ही लेते हैं ना, टाइप एडवांटेज से फ़ायदा ही मिलेगा हमको। ओके बढ़िया। और यहाँ एक पोकेबॉल भी पड़ी हुई है, देखते हैं इसमें क्या है। अरे यार रेपल नहीं लेके आया भाई, ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी। ओ भाई ऑनिक्स, मेरे को याद है इस ऑनिक्स को हराने से ना बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। सो अभी मैं इन सबको हराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग यहाँ का मेन काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैं आराम से ट्रेन करूँगा। ओ भाई ये तो जाने नहीं दे रहा। अभी यार मैं पोकेमॉन मार्ट में आया हुआ हूँ क्योंकि मेरे को ख़रीदने हैं रेपल्स, क्योंकि वहाँ पे भाई पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं, तो मैं रेपल ख़रीद रहा हूँ। ये क्या है भाई, रेपल ही नहीं ख़रीद सकते? ओ भाई ये तो काफ़ी दिक्कत है यार, अभी रेपल नहीं मिलते हैं, तो कब मिलेंगे यार रेपल? बाय द वे यहाँ पे हील बॉल और नेट बॉल मिल रही है, काफ़ी महंगी है वैसे तो यार। ये बग और वाटर टाइप के लिए अच्छी है ये, और ठीक है यार इन सब का हमको कोई काम नहीं है, रहने दो भाई, रहने दे, तू कुछ मत कर हमारे लिए। भाई रेपल्स नहीं मिल रहे, ये सबसे बेकार चीज़ है यार। ओके गाइस मैं वापस आ चुका हूँ, और इस बार भाई मैं पहले बैटल नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना मैं बस वो काम करके निकल रहा हूँ। बैटल करूँगा लेकिन अभी बाद में कर लूँगा भाई। यहाँ पे ये पोकेबॉल पड़ी हुई है, इसमें क्या है, पोशन, ऑसम। यहीं पर रहता है बाय द वे वो रॉर्क जो भी उसका नाम है, ये खड़ा भाई फाइनली। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके स्टैंड बैक एंड वॉच दिस, यूजिंग द हिडन मूव रॉक स्मैश गेट रेड ऑफ द बोल्डर ब्लॉकिंग योर वे। ओके ये सब तो हमको ऑलरेडी पता है, हमारे पास ये है ना रॉक स्मैश। ओके फाइनली जिम में चला गया है, अब मज़ा आएगा भाई। अब भाई हम लोग को जाना है जिम में, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग करने वाला हूँ, तो ठीक है भाई मैं थोड़ा सा ट्रेन करके आता हूँ वापस। मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था और तुम लोग देख सकते हो भाई चिमचाल इवॉल्व हो रहा है हमारा, 14 लेवल पे इवॉल्व हो रहा है ये। मुझे लगा था 16 पे होगा, बट अच्छा है भाई 14 पे हो रहा है, और अब ये बनेगा मॉनफर्नो। फाइनली भाई हमारे पास आ चुका है मॉनफर्नो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर चिमचाल इवॉल्व इनटू मॉनफर्नो। बाय द वे एक अपडेट दे रहा था यार मैं ट्रेनिंग की, कि अभी तक भाई मैंने अच्छा खासा ट्रेन किया है पोकेमॉन्स को, और मेरे पोकेमॉन ने नए मूव्स भी सीखे हैं, जैसे इसके मूव दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो ये फाइटिंग टाइप इसने एक नया मूव सीखा है जो कि है पावर अप पंच, जो कि बहुत मस्त है, तो मैं इसको हटाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं लीर इतना यूज़ नहीं करता, मैं लीर हटा रहा हूँ, मार्क पंच सीख जाएगा उसके बदले चलेगा। तो अब इसके पास दो मस्त मस्त फाइटिंग टाइप मूव्स हो चुके हैं भाई, फर्स्ट जिम में ना बहुत डोमिनेट करेंगे हम लोग अच्छे से। गाइस फाइनली यार मैं ट्रेनिंग करके आ चुका हूँ, अब जितनी ट्रेनिंग करनी थी भाई मैंने कर ली है। मैं तुमको पहले एक बार पोकेमॉन्स दिखा देता हूँ, उनकी हालत वैसे अभी काफ़ी ख़राब है, बट लेवल दिखा देता हूँ। मॉनफर्नो लेवल 14, बाकी दोनों लेवल 12। मुझे लगता है फर्स्ट जिम के हिसाब से ठीक रहेगा ना, और कितना ट्रेन करूँ भाई, अभी तक काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब सबसे पहले भाई हम लोग हील करवा लेते हैं चल के, एक बार हील हो जाए फिर भाई मज़े से जिम बैटल करेंगे, मज़ा आएगा भाई फर्स्ट जिम बैटल में। और हाँ जिम बैटल से पहले ट्रेनर्स भी तो आते हैं भाई जिम वाले, तो उनसे भी थोड़ा और लेवल अप भी हो जाएगा, मतलब अभी तो भाई और लेवल अप होगा, टेंशन मत लो, अभी और भी खतरनाक लेवल अप होने वाला है भाई। मॉनफर्नो तो मेरे ख्याल से ये जिम ख़त्म करने पर ना 16 लेवल का हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 16 लेवल हो जाएगा भाई जहाँ तक, तो लेट्स सी। चलो यार अब हम लोग जाने वाले जिम लड़ने, बहुत मज़ा आएगा। चलो भाई फाइनली चलते हैं जिम में। सबसे पहले मेरे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एनिमेशन होगा, हाँ इसी टाइप का बोल रहा था मैं।
ओके, काफी सही लग रहा है भाई। बस दो ही ट्रेनर्स हैं, दो ही ट्रेनर्स हैं भाई, दो से तो आराम से जीत जाएंगे। चलो पहले इससे लड़ते हैं। इसमें पोकेमॉन जियोडूड ही रहते हैं वैसे ज़्यादातर, तो भाई जियोडूड और ऑनिक्स ही होगा, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक ही पोकेमॉन है बस, लेट्स सी, जियोडूड वही है यार। इसको हराते हैं भाई फास्ट फास्ट। क्या भाई मॉन्टफर्नो, पावर अप पंच और मार्क पंच में से शायद से मार्क पंच ज़्यादा पावरफुल है। मैंने वैसे इनकी पावर देखी नहीं कितनी है, बट दोनों मेरे को अच्छे लग रहे हैं। पावर पता नहीं भाई किसकी कितनी है, बट मार्क पंच मुझे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। डिफेंस गर्ल, अब ये है वैसे भी हारेगा, लेकिन पावर अप पंच का बताऊँ भाई एक मस्त चीज़ है कि उसके बाद ना अटैक बढ़ जाता है भाई, उस अटैक को यूज़ करने के बाद। तो जब अगली बार वो अटैक लगेगा तो और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लगेगा, बिल्कुल रोल आउट की तरह। तो काफ़ी अच्छा मूव है भाई, उसको मैं हटाने नहीं वाला अभी तो, काफ़ी इजीली हरा दिया। शिंग्स आ चुका है हमारा लेवल 13 पे, बहुत बढ़िया भाई। दूसरे ट्रेनर को हरा के शायद से मॉन्फर्नो लेवल 15 पे आ जाएगा। इस गेम में लेवल अप इजीली हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा इजीली। मतलब मेरे को याद है प्लैटिनम में भाई मैं घंटों घंटों मेहनत करता था पोकेमॉन्स को ट्रेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा भाई। वहाँ तो ट्रेनिंग में बहुत करता था भाई पोकेमॉन प्लैटिनम में। एक्सपीरियंस शेयर जब से भाई पोकेमॉन वाले रखने लग गए हैं ना, तो गेम काफ़ी ईजी हो गया यार अब। मतलब लेवल अप करना काफ़ी ईजी हो गया है देखा जाए तो। इसके पास अब दो पोकेमॉन है, इसके पास ऑनिक्स होगा मेरे ख्याल से। चलो पावर अप पंच यूज़ करके देखते हैं अब। ओ भाई, ओ भाई, ये तो काफ़ी खतरनाक था यार। डैमेज मेरे को लग रहा है दोनों ने बराबर ही किया था, मार्क पंच ने भी इतना ही किया था, पता नहीं पावर किसकी ज़्यादा है। ओह क्या सीख रहा है, डबल टीम, डबल टीम काफ़ी अच्छा होता है यार, मैं डबल टीम सिखाऊंगा। इसको ग्राउल हटा देता हूँ। स्टारली भी इवॉल्व होगा शायद से 14 पे, तो इसका भी भाई एवोल्यूशन जल्दी इसी एपिसोड में देखने मिल जाएगा। बढ़िया यार, काफ़ी इजीली हार गया भाई। अब पहले ज़रा मैं हील करके आऊँ क्या, वैसे इन्होंने कुछ खास तो किया नहीं भाई, मैं बिना हील करे ही जा रहा हूँ सीधा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अरे कहाँ भाई उसमें घुस रहा हूँ मैं। वेलकम, दिस इज़ द ऑर्बर्थ पोकेमॉन जिम, आई एम रॉल्ड, आई एम बट वन ट्रेनर हु डिसाइड टू वॉक प्राउडली विथ रॉक टाइप पोकेमॉन। एज द जिम लीडर आई नीड टू सी यूर पोटेंशियल एज अ ट्रेनर एंड आई नीड टू सी द टफनेस ऑफ द पोकेमॉन दैट बैटल विथ यू। ओके देख ले भाई, तो बैटल कर आराम से। ओ भाई खतरनाक बैटल होने वाली है ये। इसके पास क्रैनिडोज रहता है शायद इसका मेन पोकेमॉन, जो कि बहुत तगड़ा है भाई, उसका डिफेंस बहुत मस्त है भाई पोकेमॉन का। जियोडूड, इसके पास तीन पोकेमॉन है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी गलती कर ली है हील ना करके। होपफुली हम इजीली हराएं इसको। ओह उनके पोकेमॉन ने मेरे को कुछ डैमेज ही नहीं दिया था, वाह। मेरे को लगा मेरी थोड़ी बहुत एचपी कम हुई होगी। ओ भाई काफ़ी सही कर रहे हैं। पावर अप पंच भाई हमारा एंड तक बहुत ज़्यादा मस्त चार्ज हो जाएगा, तो मेरे को लग रहा है एंड वाला पोकेमॉन हम 1-8 करेंगे इसका। स्टील थ्रॉक बहुत बढ़िया, पता ही था। अब यार इससे अगला वाला जो पोकेमॉन आएगा ना उसकी एचपी कम हो जाएगी स्टार्टिंग में ही, तो ये मर तो वैसे भी रहा था, तो इसीलिए स्टील थ्रॉक करके मर रहा है। अच्छी स्ट्रैटेजी। चल 12 लेवल का था भाई इसका जियोडूड, मतलब मेरा मेन पोकेमॉन 12 लेवल का है। ओ नहीं एक्चुअली मेरा 15 का हो गया भाई, इतना पीछे का क्या बोल रहा हूँ मैं। अरे 15 का हो गया भाई फाइनली मॉन्टफर्नो। अगला पोकेमॉन ऑनिक्स आ रहा है, मैं भाई इसी को रखने वाला हूँ, मैं पूरा जिम बैटल मॉन्टफर्नो के साथ में हराने वाला हूँ। मॉन्टफर्नो भाई इजीली हराता है, मैंने पहले ही बोल दिया था यार ये बहुत इजीली हराने वाला है। और अभी तो यार इसका पावर अप पंच और भी ज़्यादा पावरफुल है, देखा कितनी कम एचपी कर दी भाई उसकी, अभी और पावरफुल होता जा रहा है भाई। अटैक देखो बढ़ता ही जा रहा है भाई इसका। रॉक थ्रो, ओके ये काफ़ी पावरफुल होने वाला है। बच गया बच गया। ओ भाई बहुत ही कम एचपी कम हुई मेरी। अरे यार पोशन भाई, पोशन के यूज़ किया। अरे बाय द वे मैंने कुछ पोशन वोशन खरीदे ही नहीं है भाई अभी तक, तो मतलब मेरे पास कुछ पोशन ही नहीं है यूज़ करने के लिए। मैं भाई बिना कुछ तैयारी के सीधा जिम में घुसा आया, बस मेरे को बैटल करनी थी, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी तैयारी नहीं करी। फिर भी हमने इसके ऑनिक्स को भी इजीली हरा दिया, दो पोकेमॉन्स हरा दिए हैं और मेरी एचपी तुम देख ही सकते हो, बस एक पोकेमॉन की इतनी सी कम है, सो ये गेम इजीली जीत रहे हैं हम लोग। क्रैनिडोस भाई नहीं डरते हम क्रैनिडोस से, निकाल तू उसको, इसी से हराऊंगा। थिंक यू कैन टेक डाउन द नेक्स्ट पोकेमॉन, अरे बिल्कुल भाई तू निकाल ना, सर फोड़ दूंगा भाई क्रैनिडोस का। ओ भाई मेरा मॉन्टफर्नो टूट जाएगा इसको सर फोड़ने में, तो
मोल्ड ब्रेकर, इस एबिलिटी से क्या होता है? अपना तो पावर अप पंची चलेगा भाई, पावर अप पंची खा, स्पीड मस्त है भाई मॉनफर्नो की। ओ भाई सीरियसली 18 कर दिया भाई, भाई मतलब पोपट कर दिया भाई मैंने ये रॉक का, मतलब बेचारे ने कितना मतलब ये इससे बोला था भाई, प्राउडली बोला था कि अगला पोकेमॉन हरा सकते हो क्या, मतलब एकदम एटीट्यूड में था भाई वो। लेकिन क्या मिला उसको, बस 18 हो गया उसका पोकेमॉन लिटरली। दिस इज एम्बैरेसिंग बिल्कुल भाई, तू जैसे हारा है क्या ही बोले भाई इसको। आई वेंट एंड लॉस्ट टू अ ट्रेनर हु डिडंट हैव अ सिंगल जिम बैच। ओ भाई इतनी भी बेइज्जती मत कर हमारी, बट दैट्स द स्टोरी, यू वर स्ट्रांग एंड आई वॉज वीक, दैट्स ऑल देयर इज। अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन लीग रूल्स आई हैव टू गिव यू आर जिम बैच सिंस यू बीटन मी। चुपचाप तो जिम बैच दे भाई हमको, नाटक मत कर। ओ ये बैच वाला केस काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, मैंने इसको खोला ही नहीं था अभी तक। कोल बैच हमको मिल चुका है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। TM76, अब हम लोग रॉक स्मैश का यूज़ कर सकते हैं फाइनली भाई, हमारे पास फर्स्ट बैच हो चुका है। स्टीकर मिले हैं हमको, ये तो ओरिजिनल गेम में नहीं मिलते। चलो होपफुली यहाँ इस गेम में कुछ तो ऐड किया है भाई पोकेमॉन वालों ने, वरना ऐसा लग रहा था बिल्कुल डिट्टो सेम ही भाई वही गेम चाप दिया है। अब भाई इस जिम का काम हो चुका है, इस सिटी का काम हो चुका है, क्योंकि अब तो भाई यहाँ और क्या ही है यार इस सिटी में। थोड़े घर में जाके देखते हैं भाई घर में, उससे पहले मैं ज़रा हील कर लेता हूँ, वैसे मेरे को कुछ डैमेज तो हुआ नहीं है। यार तुम लोगों ने देखा कितना ईजिली हरा दिया भाई हमने, देखते हैं यार अब इस टाउन में क्या है। ये तो कोई म्यूजियम रहता है ना शायद से, इसमें चल के देखते हैं भाई क्या है भाई यहाँ पे। वेलकम टू द ऑरबर्ज माइनिंग म्यूजियम। अच्छा माइन, हाँ म्यूजियम ही है ना यहाँ पे भाई, फॉसिल्स हैं। ये सब क्या गुस्सा रखा है भाई, यहाँ पे कुछ फॉसिल भी दिखा दो। यहाँ से हमको कुछ फॉसिल वॉसिल मिलता है क्या, या फिर मेरे को कुछ ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ मैं? नहीं भाई नहीं मिलता, पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था इस गेम में, नहीं इसमें नहीं शायद, वो पोकेमॉन एक्स वाई था ना उसमें मिलता है भाई फॉसिल, और एक्चुअली फायर रेड भी ऐसा ही था उसमें भी मिलता है। ओके म्यूजियम में तो कुछ भी नहीं था देखने लायक, और कहीं चलते हैं। इसमें कुछ होगा इन घरों में, लेट्स सी। भाई बहुत लोग हैं यहाँ, तो सबसे बात करते हैं। यू रिमाइंड मी सो मच ऑफ द टाइम आई गॉट माई फर्स्ट पोकेमॉन। अरे बढ़िया भाई, फर्स्ट फ्लोर पे तो भाई कुछ भी नहीं था, सेकंड फ्लोर पे देख लेते हैं। वाओ योर पोकेमॉन आईज आर ट्विंकलिंग ब्राइटली, सीइंग दैट मेक्स मी हैप्पी, आई वॉन्ट यू टू हैव दिस। क्या दे रहा है, ग्रेट बॉल, बढ़िया भाई। भाई बच्चे ने कुछ अच्छी गिफ्ट दी है, ये बूढ़े बूढ़े यहाँ पे खड़े हुए हैं, अंकल आंटी खड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं दे रहे भाई हमको, बच्चा यहाँ पे गिफ्ट दे रहा है हमको। बुढ़े चाचा आप भी कुछ दे दो यार, भाई ये लोग तो बस मुफ्त का ज्ञान दे सकते हैं और कुछ नहीं देंगे। वो बच्चा बेचारा ग्रेट बॉल दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। बूके बॉल दो यार तुम भी। इस सिटी का जो भी काम था ना आई गेस वो हो चुका है, और अब हमको निकलना है यहाँ से। यहाँ पे जाना है क्या अब मेरे को? सेकेंड जिम एटर्नल जिम है जहाँ तक मेरे को याद है, तो एटर्नल जिम नहीं है एटर्नल सिटी। ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? दैट स्लोप टू स्लिपरी, यू नीड अ बाइक टू गेट अप, यू डोंट हैव अ बाइक, देयर इज अ साइकिल शॉप इन एटर्नल सिटी। हाँ एटर्नल सिटी में जाना है। यहाँ पे पोकेमॉन चेक करें को क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे कौन से पोकेमॉन्स मिलते हैं? मचॉप, भाई मेरे को मचॉप मिल रहा है। गो ऑन मॉनफर्नो, आई नो यू कैन डू इट। ओके गाइस अब इस सिटी में भाई कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमको यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। जिम भी हमने हरा दिया है, अब भाई मैं निकल रहा हूँ, यहाँ और कुछ भी नहीं है। ओके बैरी आ गया भाई, इसका सर ही टकराता रहता है क्या हमेशा, थर्ड क्या आवाज़ें निकालता रहता है। आई एम गोइंग बैक टू जुबिलाइफ सिटी, नेक्स्ट स्टॉप द इटर्नल जिम बैच, 10 seconds बिफोर आई डैश। 9 टू गॉड्स द टाइम टू कंट्रोल। ओ हो भाई बंदा बिल्कुल टाइम नहीं है भाई बंदे के पास, मतलब एकदम ही इम्पेशेंट है यार ये। इन सबको मैंने हरा दिया है बाय द वे अभी। एक सेकेंड यहाँ पे नहीं जा सकते, मैं सोच रहा था वहाँ पे जाना था क्या हमको,
पर वहाँ पे शायद से वो बोल्डर खिसकाना होता है हमको, वो बाद में एचएम मिलेगा हमको, वो अभी नहीं है हमारे पास। ओके गाइस, हम लोग जुबिलेंट सिटी आ चुके हैं और यहाँ से, अरे भाई क्या है, क्या धक्का धक्का देके क्यों चल रही थी मेरे को? ओ यहाँ पे टीम गैलेक्टिक है भाई। प्रोफेसर रोवन और डॉन को क्यों पकड़ रखा है भाई इन लोगों ने? आ सागर, इम्पेकेबल टाइमिंग एज ऑलवेज। इम्पेकेबल ये क्या होता है भाई? दीज मिसक्रिएंट्स आर बैबलिंग अटर नॉनसेंस दैट आई जस्ट कांट स्टमक, शो देम सम मैनर्स इफ यू विल। ओ भाई इतना बोल रहे तो भाई तुम ही दिखा दो ना ज़रा, हम नहीं लड़ने वाले भाई। ओके डॉन और मैं टीम अप करके अब इससे लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ना चाह रहा, पर अब प्रोफेसर रोवन भाई मेरे को ही लड़वा रहे हैं ज़बरदस्ती। ओ भाई इनके पास कौन सा पोकेमोन होगा? जूबैट और वर्मपल। अरे इजी है यार ये तो बहुत ज़्यादा। वर्मपल को तो मैं इजीली हरा दूंगा भाई। सबसे पहले इसको भाई एम्बर से वर्मपल को ही हराते हैं हम लोग। और टर्टविक तू देख ले भाई। अरे इसका इवॉल्व भी नहीं हुआ भाई द वे। लो भाई मैंने तो वन हिट कर दिया इसका, तो भाई इवॉल्व भी नहीं हुआ ये मेरे को। भाई वहाँ पे सीनियर बन रही थी मेरी और ये कर रही है यहाँ पे। पोकेमोन तो ट्रेन किए नहीं जा रहे हैं। स्टार्ली भी लेवल 14 का हो गया। क्या ये इवॉल्व हो जाएगा लेवल 14 पे भाई द वे? लेट्स सी, देखते हैं ये बैटल खत्म होने के बाद। भाई इसका टर्टविक मर ना जाए, बड़ा कमज़ोर सा लग रहा है। अरे यार ये इतना भाई क्यों स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रही है बैटल में? सीधा भाई अटैक वाला मूव यूज़ करना, 2 मिनट में हार जाएंगे यार ये लोग, इतने तो वीक हैं भाई। अरे भाई क्या कर दिया भाई मैंने, उसी पे लगेगा ना अब। हाँ बढ़िया। लो भाई मैंने दोनों पोकेमॉन्स को वन हिट कर दिया। बहुत बढ़िया भाई डॉन, बहुत अच्छा टीम अप किया है। कितनी मदद कर दी भाई इसने मेरी, मैंने हरा दिया दोनों को अकेले में। हाँ भाई हार गए तो अब मतलब हार बर्दाश्त नहीं होती भाई इनसे। और 1200 रुपये और देके जा रहे हैं भाई, मतलब हार मान भी नहीं रहे और 1200 रुपये भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, फाइनली स्टार्ली भाई स्टरेविया इवॉल्व हो जा भाई, मज़ा आ गया। फाइनली स्टार्ली बन चुकी है भाई स्टरेविया, क्योंकि लेवल 14 पे आ गई। मतलब हमारे दोनों पोकेमॉन्स आज इवॉल्व हो गए भाई, बढ़िया। सो दे कॉल देमसेल्व्स टीम गैलेक्टिक डू दे? व्हेन पोकेमॉन इवॉल्व दे सीम टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, आई बिलीव इट्स अ मिस्टिक पावर फार बियॉन्ड आर कंट्रोल। अरे ठीक है भाई। अरे भाई अरे 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 भाई, प्रोफेसर रोवन ने तो आज खतरनाक ही ज्ञान झाड़ दिया भाई, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया आज तो। ओ ये बच्चा कौन है? नहीं बच्ची कौन है? बच्ची भी नहीं भाई, तो हमारे हमारे जितनी है। व्हाट वॉज दैट जस्ट नाउ? दैट वॉज अमेजिंग। दोज गाइज लुक ऑफुली स्कैरी बट यू श्योर शो डैम। दैट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एनी वे माई नेम्स बीब, क्या नाम है भाई इसका? बीब। एंड आई वर्क एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन हार्ट होम सिटी ईस्ट ऑफ हेयर। नाउ एज थैंक्स फॉर पुटिंग ऑन सच अ गुड शो, आई विल लेट यू एक्सेस पोकेमॉन बॉक्सेस फ्रॉम एनी वेयर। आई विल गिव दीज बॉल कैप्सूल्स टू यू। यू गॉट बॉल कैप्सूल्स? ओके, इससे हम लोग बेसिकली अपनी पोकेबॉल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। बढ़िया, हम लोग भाई अपनी पोकेबॉल्स को कुछ ना कुछ उन पर लगा सकते हैं। तुमको याद होगा डॉन लगाती थी अपने पोकेबॉल पे भाई, मतलब स्पार्कलिंग वगैरह होती थी जब उसके पोकेमॉन निकलते थे, तो वैसा कुछ हम लोग अभी कर सकते हैं। इसके आगे तो भाई बैटल होने वाली है, तो ट्रेनर बैटल तो मैं ऑब्वियसली फ़िलहाल स्किप करूँगा। केव के अंदर आ गए हैं भाई अभी हम लोग, और यहाँ पे पोकेबॉल पड़ी हुई है, यहाँ पे पोकेबॉल पड़ी हुई है। यू फाउंड एन एंटीटोड, बहुत बढ़िया एंटीटोड मिल गया भाई हमको। अब यहाँ से तो भाई हमको ये तोड़ना ही पड़ेगा। यस बिल्कुल भाई, रॉक स्मैश यूज करना है। ओ बिडूफ मेरे पास है भी नहीं, लेकिन मतलब बिडूफ का एनिमेशन दिखा रहे हैं ये लोग, तो बिडूफ ही तोड़ता है भाई बस यहाँ पे। ये पोकेच की मदद से टूट रहा है भाई द वे, ये पिछला एपिसोड जिसने भी देखा होगा उसको पता है भाई। ये वाला तोड़ना है भाई हमको, यहाँ से निकलेंगे, वहाँ तो बस वो पोकेबॉल थी भाई। फाइनली हम लोग केव के बाहर निकल चुके हैं, अभी निकल रहे हैं। रूट 204 पे आ चुके हैं हम लोग अभी, और यहाँ पे बंदा खड़ा है। यहाँ बैटल तो वैसे कोई भी नहीं कर रहा है यार, आराम से इनको स्किप कर पा रहा हूँ मैं। बाय द वे मैं स्किप नहीं करने वाला, पहले ही बता दूँ भाई, मैं पीछे आके लड़ता हूँ इनसे। बट ट्रेनर बैटल भाई थोड़ी सी बोरिंग होती है यार, मतलब
हर ट्रेनर बैटल को भाई क्या ही दिखाऊं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्किप कर दे रहा हूं सिर्फ इनको अभी के लिए। ये पोकेबॉल ले लेते हैं। अवेकनिंग, बढ़िया। यहाँ से अगला टाउन जो आने वाला है, ओ इसने नहीं छोड़ा भाई, वो फ्लोरोमा टाउन होता है शायद से। हाँ वो फूल वाला जो रहता है भाई वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर टाउन है भाई। अरोमा नाम भी भाई अभी से ऐसे आने लग गए, समझ जाओ फ्लोरोमा टाउन आ गई है। इसको हराना भाई लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ईजीली जीत गया यार मैं सही में। चलो भाई इन दोनों को ही हरा दिया है हमने, और अभी फाइनली फ्लोरोमा टाउन आ गया है भाई, बहुत बढ़िया। चलो पोकेमॉन सेंटर भी बाजू में है भाई, क्या गजब जगह है अपना आज का एपिसोड एंड करने के लिए। चलो भाई अब बस पोकेमॉन को हील कर रहा हूँ मैं अभी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था भाई, आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले अगले एपिसोड में। होपफुली तुमको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड शाइनिंग पर्ल गेम प्ले के लिए भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।